अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। आज ईद उल फितर है और मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से आप सब लोगों को ईद उल फितर बहुत ज़्यादा मुबारक हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का रमज़ान अच्छा गुज़रा होगा और रोज़े अच्छे गुज़रे होंगे। वैसे तो आप सब लोगों को पता है कि काफ़ी ठंडा रमज़ान गुज़रा है और इतनी ज़्यादा कोई ख़ास दुश्वारी नहीं पेश आई रोज़े रखने में। आम तौर पे मेरे साथ ये मामला रहता है कि जो आखिरी रोज़े होते हैं वो थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। इस बार इट वाज 50-50, तो ओवरऑल अच्छा जो है ना हमारा माह सियाम गुज़रा है और आज हम लोग ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। इतनी एक्साइटमेंट नहीं है जैसे एक ज़माने में होती थी, लेकिन फिर भी रोज़े रखे हैं तो ऐसी बात है उसकी खुशी कुछ और ही होती है जब हमें ईद देखने को मिलती है। तो मेरी तरफ से सब लोगों को ईद मुबारक हो। और ये मौसम भी आप देख सकते हैं कि कैसा ज़बरदस्त हो गया है और इसके अलावा बहुत तेज़ हवा चल रही थी, अभी थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन नमाज़ पढ़ने से पहले बहुत ज़्यादा जो है ना वो तेज़ हवा थी और ख़दशा ये था कि अभी बारिश आ जाएगी रास्ते में। तो शुक्र अल्लाह का कि खैर खैरियत से अभी तक पहुंच गए और अब देखें बारिश होती है या नहीं। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से दोबारा ईद मुबारक। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों के रोज़े कबूल फरमाए, जो भी इबादत की हैं उनको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और रोज़े का अजर जो है वो हमें अता फरमाए। आमीन। बहुत तेज़ हवा चल रही है, इवन के तैयारा भी फील कर रहा है, कतर वश का तैयारा है।